सभी को माफ़ी कर रही। कुछ लोग नए हैं यहाँ पे और कुछ पुराने हैं तो जो जानते ही हैं मेरे बारे में कि मैं गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ और मेरा हॉस्पिटल भी है। लेकिन दोस्तों, एलोपैथ का इलाज करते करते मन नहीं भरता। जब से कोरोना आया तो मैंने AWPL का प्रोडक्ट यूज किया, तो मेरे सिमरिया के गुरु जी के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इतने श्लोक बोले हमें सुन के, मैं तो खड़ा था सुन के, मुझे बहुत आनंदित हुआ कि ऐसे विद्वान लोग भी इसमें हैं जो कि आयुर्वेद को जन्मदाता जो कहा जाता है वो संस्कृत से हुआ है। और जब तक पृथ्वी पे जन्म होगा और मृत्यु होगा तब तक आयुर्वेद का जन्म कभी समाप्त नहीं होने वाला है। और दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं होता था कि आयुर्वेद में ऐसे प्रोडक्ट होंगे और ऐसे रस होंगे जो NCD डिजीज को ठीक कर देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी NCD बीमारी होती है तो मैं यही बात बोलता हूँ कि इस दवा को कंटिन्यूस खाते रहना है, डोज घटेगा बढ़ेगा। लेकिन लाइफ स्टाइल बीमारी जितनी भी है NCD के अंदर, AWPL के प्रोडक्ट देने से बहुत सारा रिजल्ट मैंने लिया जो अनबिलीवेबल है, जिसमें हम बिलीव कर ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। आज भी मेरे गुरुजी के कहने पर मैंने ऑपरेशन छोड़ कर आ गया हूँ। लास्ट चल रहा था तो मैं कहा कि चलता हूँ वहाँ पर मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। सर, मैंने कहूँगा कि कैंसर जैसे बीमारी और CKD क्रोनिक किडनी डिजीज जिसको हो जाती है, पूरे ज़िंदगी भर डायलिसिस कराना, सप्ताह में 2 कराना हो, मंथ में 8 कराना हो, लेकिन कराना ही कराना है। लेकिन AWPL के और कुछ एलोपैथ का मिक्स थेरेपी देने से आज मेरे पास लाखों मरीज ऐसे हैं, यही नहीं इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर का भी, जो दुबई में रह रहे हैं वो भी आज ठीक हो चुके हैं। और आयुर्वेदिक रस AWPL जिसका जन्मदाता मिस्टर संजीव कुमार, जो आज डॉक्टर का डिग्री बिना लिए हुए लेकिन उनको PhD का डिग्री मिल चुका हो, उनके लिए जो बात अभी होनी चाहिए। अब दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में मुझे लाने के लिए, इस संस्था प्लेटफॉर्म में लाने के लिए मेरे एक दोस्त हुए डॉक्टर अक्षय कुमार वर्मा, जिन्होंने पहले बार इसको बताया था। और मैं कहूँगा मेरे दोस्त जो नज़दीकी हैं रामधारी जी, जिन्होंने अभी प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया था बच्चा का, हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे, जो क्रूज पर चढ़ रहे थे तो उस पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और गुरु जी ने फोन लगाया था तो पेशेंट का भी रिजल्ट है। और इनफर्टिलिटी का केस भी ऐसे है कि जो कि 64 mm का सीस्ट, जो रांची का पेशेंट है जिसको दिया गया, 21 दिन में ही उसका सीस्ट गल गया और आज उसको बच्चा हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा सारे एसपीएस फाइटर से कि सभी को मेरा सत सत प्रणाम है, और जब काम कर रहे हैं तो मन लगा करें और फुल टाइम करें, पार्ट टाइम कोई काम नहीं होता। और इस कंपनी में इसे संस्था है और ऐसा प्लेटफार्म है कि फिर दोबारा प्लेटफार्म ऐसा नेटवर्क का नहीं आएगा। और एक दूसरे को सपोर्ट करने से जिसको ऑफलाइन और डाउनलाइन कहा जाता है, जो ऑफलाइन कहता है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, जो नहीं करता समझिए कि अपने गुरु की बात नहीं माना तो कहीं ना कहीं उसी से पिछड़ ही जाएगा। इसलिए कदम से कदम मिला के साथ चलना है। और जितने भी प्रोडक्ट हैं SLPS के 54 प्रोडक्ट जो हेल्थ एंड वेलनेस में प्रोडक्ट यूज होता है, उसका कोई तुलना ही नहीं किया जा सकता। और आज बहुत खुशी हुई है मेरे शशि सर के लिए कि 8 तारीख को मेरे शशि गुरु जी का मान सम्मान और सिटीज के लिए सम्मानित किया जाएगा और इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से इन्होंने लिया है, इसके लिए जो दाद डाले हुए। धन्यवाद।